नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पवई थाना परिसर पवई में चैत्र रामनवमी में लगने वाले मेले को लेकर एसडीएम कुशल सिंह गौतम ने बैठक आयोजित की। मेले में पेयजल, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था और दुकानों का व्यवस्थापन को लेकर नगर परिषद पवई को निर्देश दिए गए। पेयजल के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए गए कि मेले में श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल के लिए नगर परिषद से तालमेल कर व्यवस्था की जाए। वहां पर मंदिर की पुताई के निर्देश दिए गए। नवरात्रि मेले में दुकानों की व्यवस्थाओं के लिए साज सज्जा व्यवस्थाओं हेतु नगर परिषद के लिए निर्देशित किया गया। मंदिर परिसर में किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं लगाई जाएंगी, ना ही मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का व्यवसाय और श्रद्धालुओं को प्रलोभन संबंधी जानकारी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंदिर प्रशासक ज्योति सिंह ने बताया कि चैत्र नवरात्रि से संबंधित नियम की पृथक से बैठक आयोजित की जाएगी। एसडीएम ने बताया कि जन भागीदारी के माध्यम से पतन नदी की सफाई और घाटों की सफाई तेज गति से की जा रही है ताकि लोग प्रदूषित पानी का इस्तेमाल न कर सकें। बैठक में एसडीएम, तहसीलदार, नगर निरीक्षक डीके सिंह, डॉक्टर अनिल चौधरी, जनप्रतिनिधियों में मंडल अध्यक्ष गुलाम मधु सोनी, वरिष्ठ नेता जमुना खटेक, पुष्पेंद्र लटूरिया, अरुण नगायच, महामंत्री बीजेपी एडवोकेट फारूकी, अजय श्रीवास्तव, कमलेश पांडे, सत्ता मोहम्मद, मंदिर पुजारी अज्जू बड़ोदिया सहित पवई नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज जो है माँ कलही माता प्रांगण में जो नवरात्रि का मेला प्रतिवर्ष भरता है, नवरात्रि के पर्व को अगले सप्ताह प्रारंभ होने वाला है, उसी के संबंध में ये मीटिंग जो है रखी थी। और नव दुर्गा महोत्सव के साथ साथ जो है अन्य उत्सव भी आ रहे हैं, विशेष तौर से डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम जो है 14 अप्रैल को होना है। इसी बीच में गुड फ्राइडे का कार्यक्रम भी है और पवित्र रमजान माह की जो है वो 3 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। तो उसी सबको देखते हुए ये एक शांति समिति की बैठक यहाँ रखी थी, उसी में माँ कलही माता मंदिर प्रांगण में जो मेला आयोजित होना है उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में भी ये मीटिंग बुलवाई थी, जिसमें हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे और नगर के गणमान्य नागरिक भी इस मीटिंग में उपस्थित रहे। सभी ने अपने अपने जो है विचार व्यक्त करे और मेला का आयोजन किस प्रकार से भव्य और शांतिपूर्ण से हो सकता है उसके संबंध में सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। पवई से खबर समय जगत के लिए सफी सिद्दीकी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.